नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिशा धर्मगंगा में बात है शीतला सप्तमी की शीतला सप्तमी आने वाली है कुछ दिनों बाद हम आपको बताते हैं कि एक उपाय ऐसा आप इसमें कर सकते हैं शीतला सप्तमी के समय कि आपके संतान को बुरी नज़र नहीं लगेगी बासी खाने का भोग लगता है शीतला सप्तमी के दिन देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर इस त्यौहार को बासावड़ा भी कहा जाता है शीतला सप्तमी 2023 की आने वाली है हिंदू धर्म में माँ शीतला को आरोग्यता का कारक माना जाता है इनकी पूजा करने के लिए शीतला सप्तमी का दिन सबसे उत्तम माना जाता है शीतला माता माँ दुर्गा का ही एक रूप है इस दिन उन्हें बासी और ठंडी खाद्य सामग्री का भोग लगाया जाता है माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले व्रत के परिणाम स्वरूप माता शीतला से आरोग्यता का वरदान मिलता है माता शीतला की कृपा से बच्चे गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचे रहते हैं और बच्चों की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है कई स्थानों पर इस त्यौहार को बासौड़ा भी कहते हैं इस दिन व्रत रखने वाली माताएं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं हम आपको बताते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें शीतला सप्तमी या बासौड़ा के दिन किया जाता है एक उपाय इस दिन बच्चों की माँ उन्हें किसी भी तरह की बुरी बला से बचाने के लिए गुलगुले बनाती है शीतला अष्टमी के दिन उनके बच्चों को किसी तरह की नज़र ना लगे इसके लिए इन गुलगुलों को वे अपने बच्चों के ऊपर से घुमाते हुए डॉगीज़ को यानी कुत्तों को खिला देती है इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस उपाय से उनके बच्चे किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहते हैं इस बार कब पड़ रही है किस तारीख को पड़ रही है शीतलाअष्टमी सप्तमी ये हम आपको बताते हैं हिंदू पंचांग बताता है कि बासोड़ा यानी कि शीतला सप्तमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पड़ रही है हालांकि इस साल 13 मार्च को आने वाली है इस दिन 13 मार्च 2023 को शीतला सप्तमी आने वाली है इस दिन इसका आरंभ रात में नौ बजकर सत्ताईस मिनट से प्रारंभ होगा वहीं इस व्रत का समापन अगले दिन 14 मार्च को रात आठ बजकर बाईस मिनट पर होगा इसलिए उदया तिथि के अनुसार इसका व्रत मार्च 14 को रखा जाएगा ध्यान रखिए मार्च 14 को इसका व्रत आपको रखना है आज है ग्यारह तारीख शनिवार बारह तेरह चौदह रवि सोम मंगलवार को आपको इसका व्रत रखना है अगर आप रखना चाहें तो उत्तर भारत में कहा जाता है बासोड़ा किसको शीतला सप्तमी को देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर इस त्यौहार को मनाया जाता है पर्व है देवी का पर्व है इसको बासोड़ा वहाँ पर माना कहा जाता है इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और इस कारण इसे बासोड़ा नाम से भी शायद इसी कारण पुकारा जाता है पर मूल रूप से शीतला देवी की पूजा का दिन होता है और शीतला माँ को आरोग्यता की देवी माना जाता है फिलहाल हम आपसे अनुमति लेंगे तब तक करते रहिए काम सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम पानी बचाइए सबको सिखाइए पेड़ लगाइए सबको सिखाइए राम राम